Subscribe and press bell icon. Next question number 4. Why do you fall in the forward direction when moving bus seeks to stop? हम आगे की ओर क्यों चले जाते हैं जब बस ब्रेक लगाती है, रुकती है, और पीछे की ओर क्यों चले जाते हैं जब बस चलना स्टार्ट करती है? फ्रॉम द रेस्ट, व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भी वही है, इनर्सिया. क्योंकि जो लोग बस में बैठे हैं, जो लोग बस के अंदर बैठे हैं, वो जब बस मूव कर रही थी, इन ए मूविंग बस, जब बस मूव कर रही थी तो वो भी मोशन में थे. तो द पैसेंजर आर इन मोशन अलॉन्ग विद द बस. पैसेंजर भी मोशन में हैं बस के साथ साथ. बट व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स लगा दिए गए तो क्या हुआ, बस तो रुक गई. टू स्टॉप अ मूविंग बस, बस कम्स इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, बस रेस्ट की पोजिशन में आ गई. बट बिकॉज ऑफ टेंडेंसी, बट जो कि इसमें आ चुकी थी, जो पर्सन्स बैठे थे, जो पैसेंजर बैठे थे, उनमें एक टेंडेंसी आ चुकी थी टू बी इन द मोशन, यानी वो मोशन में ही थे. और अगर वो मोशन में हैं तो अगर ये गाड़ी चलती जा रही है और ये भी सेम स्पीड से चलते जा रहे, अब ये गाड़ी रुक गई, बस रुक गई, तो पैसेंजर अपनी सीट से थोड़ा आगे चला जाएगा क्योंकि वो बाद तक भी मोशन में है, वो बाद तक भी मोशन में है. तो इसीलिए द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड. अगर चलती बस को हम ब्रेक लगाते हैं तो सवारी आगे की ओर जाती हैं, ठीक है. सिमिलरली इसका अपोजिट होगा जब बस रुकी हुई है और व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो पीछे की ओर, जब बस आगे की ओर चलेगी तो उन्हें पीछे की ओर धक्का लगेगा. तो व्हेन ए बस इज एक्सेलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, द टेंडेंसी टू बी रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए बस आगे की ओर जाती है और वो पीछे की ओर आ जाते हैं. तो ए पर्सन इन द बस फॉल बैकवर्ड.